और एक बार फिर से आपका स्वागत है सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं मुकेश शर्मा। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सारंगढ़ के ग्राम बासिन बहरा में 3 माह पूर्व हुए अंधे कत्ल का आखिरकार सारंगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुत्थी सुलझा दी है। बताया जा रहा है हत्या पुरानी रंजिश को लेकर किया गया था, जिसके लिए बाकायदा हत्या के मास्टरमाइंड लक्ष्मी नारायण ने 2 सुपारी किलरों को 10,000 रुपए देकर घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला 3 महीने पूर्व की है, जब बिसाहू दास महंत रोज की तरह अपने घर से आइसक्रीम लेने सारंगढ़ के सिद्धि ढाबा पहुंचा। बताया जा रहा है कि मृतक बिसाहू दास महंत आइसक्रीम बेचकर अपना व अपने परिवार का पोषण करता था, लेकिन मृतक को क्या पता था कि वो दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मृतक बिसाहू दिन भर रोज की तरह आइसक्रीम बेचकर शाम को अपनी बर्फ वाली साइकिल को जमा करके अपने घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके ही गांव के निवासी सेवकराम पटेल व हिरन पटेल अपने मोटरसाइकिल में बिसाहू के पास पहुंचे और बोले, चलो हम भी घर की तरफ जा रहे हैं, तुमको भी ले चलते हैं। मृतक बिसाहू ने सोचा कि चलो इनके मोटरसाइकिल से घर जाऊंगा तो घर भी जल्दी पहुंच जाऊंगा, पर आरोपी सेवकराम पटेल व हिरन पटेल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों ने मृतक बिसाहू को अपने मोटरसाइकिल में बिठाया और उसे बासिन बहरा शराब भट्टी रोड ले गए और एक पुलिया के पास मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया। मृतक को एक नहर के पास ले गए, जहां आरोपी सेवकराम पटेल ने अपने साथी हिरन पटेल से मृतक बिसाहू के हाथ को पकड़ने को बोला। जैसे ही हिरन ने मृतक बिसाहू का हाथ पकड़ा, आरोपी सेवकराम ने धारदार हथियार कट्टा से मृतक बिसाहू के सर पर वार कर दिया और तब तक वार करता रहा जब तक बिसाहू की जान नहीं चली गई। 21 दिन को अपने को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी बासिन बहरा वाले रोड में पड़ी हुई है, कि सूचना पर हम लोग मौके पर गए, जिसका पहचान हुआ बिसाहू दास महंत बड़े हरदी का रहने वाला है। तो घटना स्थल निरीक्षण पे शव निरीक्षण पे पाया गया कि उसकी हत्या की गई। उस हत्या की लगातार हम लोग पता तलाश कर रहे थे कि एक संदेही था हिरन पटेल, उससे पूछताछ की तो उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करना बताया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने हथियार को छुपा दिया और अपने पहने हुए कपड़ों को भी जला दिया। जैसे ही मृतक के बेटे को घटना की जानकारी हुई, मृतक का बेटा घटना स्थल पहुंचा और घटना की जानकारी सारंगढ़ थाने में दी। सारंगढ़ पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं इस मामले में 3 महीने बाद सारंगढ़ पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस के बताए अनुसार मृतक बिसाहू दास महंत का बेटा बचपन से ही हत्या के मास्टरमाइंड लक्ष्मी नारायण उर्फ बेलो के पास रहता था और कुछ बातों को लेकर कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मी नारायण और बिसाहू के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर लक्ष्मी नारायण उर्फ बेलो लक्ष्मी नारायण से रंजिश रखने लगा, जिसके बाद उसने बिसाहू की हत्या करने की साजिश रची और हत्या के लिए गांव के ही हिरन पटेल व सेवक राम को 20,000 रुपये में तैयार किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों द्वारा प्लानिंग के तहत हत्या के घटना को अंजाम देना बताया गया। ये बोला सर पैसा दूंगा आपको, कैसे 10,000, पता नहीं सर आपको मारा नहीं जाता। उसके करने पर आपने मार दिया आप सर? क्या चीज़ के लिए पैसा दिया था? मारने के लिए दिया। हाँ, हथियार से मारे सर, मोटरसाइकिल बैठा कर ले गया। वहीं इस अंधे कत्ल के गुत्थी को सुलझाने में क्राइम ब्रांच के वीरेन भगत व विमल जांगड़े की मुख्य भूमिका रही। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उससे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि बिसाहू दास महंत का बेटा जो है मुन्ना और बेलो के यहाँ रहता था, बचपन से रह रहा था और अपने पिता से ज़्यादा उसकी बातों को मानता था, बेलो की बातों को। तो और बेलो का ही मतलब डेढ़ दो साल पहले उसकी एक मोबाइल चोरी घर से हो गई थी, उस पर से भी महंत बिसाहू दास महंत ने उसको मारपीट कर दिया था, तो वो रंजिश रखता था। और बेलो के बयान के आधार पर ही बिसाहू के बयान के आधार पर बेलो को बैल चोरी के मामले में उसको सजा हुई थी, वो सब बातों को बहुत रंजिश रखता था। उस रंजिश को भुनाने के लिए उसने 2 आदमी तैयार किया 10,000 में, सेवकराम पटेल और हिरन पटेल को, और एक प्लान बनाए। प्लान ये बनाए कि ये बर्फ फैक्ट्री में काम करने जाता है, शाम को 6:30 बजे 7 बजे के आसपास सारंगढ़ से वापस अपने गाँव आता है। उसी प्लान के तहत इन लोग सिंधी ढाबा के पास आए और उसको मोटरसाइकिल में बिठा कर शराब पिलाने के नाम से बासिन बहरा वाले देसी शराब दुकान में ले गए। देसी शराब दुकान के ठीक पहले पुल के पास
दोनों मिलकर उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी वहीं छोड़ के चले गए और बाद में उसको बेलों को जाके बताया कि हमने अपना काम कर दिया है और उससे फिर जो भी पैसे की बात हुई थी वो पैसा भी इन लोगों उससे ले लिए। विवेचना के दौरान उनके पास से घटना में जो प्रयुक्त हुआ था ये कत्थानुमा तलवारनुमा हथियार ये जब्ती की गई है और जिस मोटरसाइकिल में लोग मृतक को लेकर गए थे और उसकी हत्या की थी उस मोटरसाइकिल भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। इनके द्वारा घटना करना 100% स्वीकार किया गया है और मेमोरेंडम में साक्ष्य इनके विरुद्ध जो मिले हैं वो सभी चीज़ हम लोग प्रिजर्व किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी आज कर लिए हैं जिसे अभी जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगढ़।